नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, आज हम जुड़ चुके हैं एटीके मोहन बगान और केरला ब्लास्टर्स एफसी के होने वाले मैच के, हीरो इंडियन सुपर लीग के होने वाले पहले मैच के प्रीव्यू को लेकर। आज दो टीमें यहाँ पे आमने सामने होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है दोनों टीमों के लिहाज से। एंटोनियो हवास बहुत ही अपना इस कैंपेन को बढ़िया जीत से स्टार्ट करना चाहते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करके स्टार्ट करना चाहते हैं। वही जो केरला ब्लास्टर्स के मैनेजर है नोवान, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी टीम को जीत के साथ स्टार्ट करते हुए देखना चाहते हैं। तो वी आर ऑल सेट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। ये है इंडियन सुपर लीग सीजन, इस सीजन का 2021-2022 सीजन का ये पहला मुकाबला एटीके मोहन बगान। ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स थे उनको बढ़िया तरीके से उन्होंने रिटेन किया है। उनमें से हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अरिंदम सिंह का, जिन्हों को गोलकीपर के डिपार्टमेंट में अहमदाबाद यहाँ पे एटीके मोहन बगान ने एक्वायर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। वही रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स की जोड़ी यहाँ पे एटीके मोहन बगान के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल हो जाती है इस मैच में, और हवोस का भी फॉर्म वहां पे बहुत क्रूशल बन जाता है। वहीं पे केरला के पर आप देखें तो केरला ब्लास्टर्स एफसी का डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो काफी हद तक पॉसिबल है कि जो उनके कोच है 2-3-5 की फॉर्मेशन से खेले, यानी कि 5 डिफेंडर्स पीछे बैक में रखें, थोड़ी सी डिफेंसिव फॉर्मेशन खेले क्योंकि डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे। लेकिन यहाँ पे इंडियन टैलेंट्स की बात करें तो इंडियन टैलेंट में भी बहुत ही बेहतरीन है। मिडफील्ड में केरला ने खासकर इंडियन टैलेंट पे निवेश किया है, के प्रसन्न और साथ ही साथ अब्दुल समद, जिनको यहाँ पे केरला ने स्पेशली यहाँ पे अपनी टीम में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको शायद वो स्टार्टिंग लाइनअप में भी स्टार्ट करते हुए दिख सकते हैं आज डिफेंस मिड फील्ड में। वहीं देखें तो केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर की भूमिका करेंगे शलांक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर के रूप में वो भी हो सकते हैं। और वहीं केरला ब्लास्टर्स के ओवरऑल टीम के एफर्ट के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरला ब्लास्टर्स की टीम जो है कि वो रिलाई करती है डिफेंस पे, तो जो उनका डिफेंस है वो बढ़िया फायर करे। अगर डिफेंस फायर नहीं करता है तो केरला ब्लास्टर्स एफसी जो है मुश्किल में आ सकती है। अगर हम बात करें कि किस प्लेयर के ऊपर नजर रखनी होगी केरला ब्लास्टर्स को, तो ऑब्वियसली रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स की जोड़ी पर केरला ब्लास्टर्स को नजर रखनी होगी। स्ट्राइकिंग फ्रंट में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी दो प्लेयर से है केरला ब्लास्टर्स एफसी के डिफेंस को, तो वो ऑब्वियसली रॉय कृष्णा द मार्की प्लेयर कह सकते हैं, फिजी के मूल के स्ट्राइकर हैं रॉय कृष्णा, और कमाल का फॉर्म है, कमाल के प्लेयर है, गॉड गिफ्टेड स्किल्स है इनके पास, क्या बेहतरीन स्ट्राइकर, एकदम प्योर है जो है स्ट्राइकिंग करता है ये बॉल की, और जबरदस्त खिलाड़ी और दोनों फुट से खेल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी से क्रिकेट में, राइटी और लेफ्टी अगर कोई खेले तो बहुत ही क्रुशल हो जाता है। वैसे ही ये भी हैं, राइट फुटेड और लेफ्ट फुटेड कभी भी क्रॉस दाग सकते हैं डिफेंस से, अच्छा अच्छे मूव से चिप इन कर सकते हैं। मिडफील्ड अगर कोई मूव बनाए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छे से चिप इन कर सकते हैं, उन मूव्स में काफी क्रुशल बन जाते हैं इस लिहाज से केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज जिससे सब लोग का ध्यान होना चाहिए वो है क्रूशियल चीज जिसका विच इज दी देखिए गोलकीपिंग डिपार्टमेंट, जहां पे केरला अपने इंपॉर्टेंट गोलकीपर पर रिलाय कर रही होगी। वहीं यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है एटीके मोहन बगान गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। अरिंदम सिंह को इन्होंने इस सीजन एक्वायर जरूर किया है, उतना ज्यादा एक्साइटिंग टैलेंट है नहीं कोई गोलकीपर डिपार्टमेंट में, तो थोड़ी सी एक वीकनेस वहां है। लेकिन मिडफील्ड और अटैकिंग फ्रंट में जो है ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली वहां पे एटीके मोहन बगान आगे है। वहीं यहाँ डिफेंस में भी कुछ इंडियन टैलेंट के बारे में मेंशन कर दूं आप लोगों को, तो प्रवीर दास इनके इन पर निगाह जरूर रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए इंडियन प्लेयर है और इन्होंने भी लाजवाब परफॉर्मेंस किया था लास्ट सीजन, बहुत ही इंप्रूविंग प्लेयर है और स्पेशली ये 3-on-1 चैलेंज में तो लाजवाब सक्सेसफुल रहता है, और फाउल जीतने में बड़ा महारत हासिल है इनको, काफी की पोजीशन से इन्होंने लगातार फॉर्मेशन में या फिर अग्रेसिव फॉर्मेशन में भी।
तो ये ऐसे प्लेयर है जो आपको गोल्स में भी असिस्ट दे सकता है। तो ऐसे ऑलराउंडर, ऑलराउंड काइंड ऑफ डिफेंडर है प्रवीर दास, जिन पे नजरें आपकी होनी चाहिए। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो ऑन पेपर यहाँ पर जो एटीके मोहन बगान आगे है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम कहते हैं, स्पोर्ट्स इज ऑलवेज एन अनसर्टन थिंग, आपको यहाँ पे कुछ भी देखने मिल सकता है। ये तो थी इस मैच की बात जिसके ऊपर हमने बात की है, प्रीव्यू किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप भी फुटबॉल के फैन हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आर वीडियोस, जहां पे हम अब डेली हीरो इंडियन सुपर लीग के मैचेस को कवर करने वाले हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे। तो बहुत ही क्रूशियल बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो वुड लाइक टू से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, जो जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, फटाफट से पहले लाइक